खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार ने नगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। खासकर फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि वे लोग अतिक्रमण ना करें और आने जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध ना करें। सासाराम के शेरशाह मकबरा की ओर जाने वाले रास्ते पर इन दिनों अतिक्रमण है। इसके अलावा मुख्य चौराहे के आसपास भी अवैध पार्किंग बना दिया गया है, जिससे जाम की स्थिति रहती है। इसी को लेकर SDO मनोज कुमार ने अभियान चलाया तथा दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वे लोग अतिक्रमण को बढ़ावा ना दें। इंकरेजमेंट हो रहा है ना, जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। नगर प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से इन लोगों को चेतावनी दी जा रही है, इन पे फाइन इम्पोज कराया जा रहा है जी। आप लोग के माध्यम से यही अनुरोध होगा जी, ये लोग रोड पे इंक्रोचमेंट ना करें जी, ठीक है। इंक्रोचमेंट करने से आवागमन की बाधित हो रही है जी। ऐसे लोग के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पता है कि नगर परिषद में भी नए अफसर आ गए हैं जी। थाना भी हम लोग करके मंगल DTO बदल चुके थे, हम लोग बेहद प्रोग्राम करेंगे। इसमें गाड़ी वाहन अवैध पार्किंग, गलत पार्किंग जगह पे करने या रोड पे जो लगाएंगे उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन बार बार लगा देता है लोग सब। हाँ, तो ये बात आप लोग के माध्यम से इन लोगों को चेताया जा रहा है। आज के समय हम लोग इन्फोर्स भी करा रहे हैं, कुछ फाइन भी लगा रहे हैं, ठीक है। हम लोग फाइन भी लगा रहे हैं, लेकिन अंतर है कि इनको आदत नहीं सुधारने पर हम लोग ज़्यादा ही कार्रवाई करेंगे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।